नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24x7। इस वक्त हम मौजूद हैं जसवंत नगर ब्लॉक के सखुआ में, जहां पर आपको बता दें विद्यालय की बात की जाए तो योगी सरकार शिक्षा सुधारने की लाख वादे करती रही। बच्चे देखिए किस तरीके से बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी ही शिक्षा व्यवस्था जो है वो अंधकार में डूबी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मैडम की बात की जाए तो मैडम तो पता ही नहीं कहाँ गई हैं, हो सकता है टूर पे गई हो सकता है कहीं घूमने गई हो। यहाँ पर बच्चों को देखिए, योगी सरकार कहती है कि शिक्षा को सुधारा जाएगा, कैसी शिक्षा सुधर रही है सवाल हम पूछेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार से और इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह से कि किस तरीके से बच्चों को देखिए जमीन पर बैठाला गया है। क्या नाम है आपका बेटा? संतोष। कैसे है, कुछ बिछाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं क्या? नहीं। ये टिफिन आप कहाँ से लाई थी? मम्मी ले आई थी कहीं पे। मम्मी घर से लेके आई थी? हाँ। विद्यालय का खाना नहीं खाती हो? नहीं। क्यों, अच्छा नहीं लगता है? हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। बर्तनों की बात की जाए तो बर्तन देखिए किस तरीके से बच्चे जो है वो बर्तन धोते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही उठता है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर कि आखिर कब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और कब योगी सरकार इस पर ध्यान देगी। सवाल हम पूछेंगे इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह से कि आखिर ऐसी मैडमों के ऊपर कब प्रशासन जागेगा और कब कार्रवाई करेगा। कैमरामैन शुभम दीक्षित के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी। आज मैम आप छुट्टी पे हैं? नहीं, मैं छुट्टी पे नहीं हूँ, मैं यहाँ नारी चौपाल में हूँ। अच्छा मैम, और एक एक चीज जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है ये बता दीजिए, जो बच्चे हैं वो जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, क्या इनके पास बैठने के लिए कोई चटाई वगैरह कोई इंतजाम नहीं है आपके द्वारा? नहीं नहीं बिल्कुल चटाई है। तो कहाँ है आप बताइए? चटाई रखी है, बच्चे खुद ही चटाइयां बिछाते हैं। अच्छा बच्चे चटाइयां बिछाते हैं, तो मैम चटाइयां तो नहीं दिख रही है ये बताइए। अरे चटाइयां क्यों नहीं दिख रही है, चटाइयां सब ऑफिस में रखी है, क्लास में बच्चों के सारे संज्ञान में रहती है चटाइयां। लेकिन बच्चे आपको नहीं दिख रही है, ये प्रॉब्लम है आपकी भी। मैम मैं आपकी देखिए पूरी ही बात जो है ना वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि आपकी बात देखिए आखिर कौन सच है कौन झूठ है। मैम देखिए सामने एक तरफ मैं आपकी ये हैंड फ्री करके पूरा ही कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरी तरफ बच्चों की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, आखिर कौन सच बोल रहा है? किसी को धमकाने की कोशिश नहीं। मैम मेरा काम धमकाने का नहीं, हमारा काम है जागरूक करना, बस यही है कि बच्चों जी जी विद्यालय की व्यवस्था हम सब मिलकर बहुत बेहतर कर लेते हैं, तो हमें किसी इंटरफियर की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे कुछ जानते हैं कि उन्हें कैसे बैठना है और चटाई कहाँ है, वो हमारी कोई ताली में नहीं होती, बच्चों के संज्ञान में होती है, बाल संसद को पता होता है कि कैसे मैनेजमेंट अपना करना है। जी जी जी, लेकिन मैम यहाँ तो हमें कोई मैनेजमेंट दिख नहीं रहा, बच्चे खुद बर्तन धो रहे हैं स्कूल में। नहीं बच्चे बर्तन नहीं धो रहे हैं, बच्चे अपना पानी डाल के रख लेंगे, बर्तन आंटी धोएंगी। मैम चलिए आप तो सारे ही हमारी बातों को झुठला रही हैं, कैमरे में सब रिकॉर्ड किया हुआ है फिर भी आप झुठला रही हैं। चलिए मैम 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 देखिए इस चीज का जवाब आप तो नहीं दे पाए, हमें पता है ना, क्योंकि आपके अधीन नहीं है, आप वैसे भी स्कूल में नहीं मिली वो अलग बात है। आपका नाम हम जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, मेरा नाम शारदा मिश्रा है। ठीक है मैम, आप यहाँ पर किस पोस्ट पे हैं? मैं प्रधानाध्यापक हूँ। प्रधानाध्यापक है, हाँ जी। ठीक है, ये कॉलेज कौन सा है? इस कॉलेज को प्राथमिक विद्यालय सका हुआ है, मैं बता देती हूँ आपको, पढ़ने में कोई परेशानी हो रही हो तो। नहीं मैम हम अंदर नहीं आए ना, क्योंकि आपने मना कर दिया, क्योंकि हमें लेटर लेके आना पड़ेगा, तो हम यही तो पूछेंगे आपके अधिकारियों से कि ऐसा कौन सा नियम बना दिया गया। किसका? कि मीडिया को विद्यालय में हकीकत नहीं दिखा सकती मीडिया, आप हमें ये बता दीजिए ना, बच्चे जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं और आप छुट्टी हैं, आप छुट्टी पे हैं और हम कुछ नहीं कहेंगे। और हमें आप झूठा साबित करो कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे जमीन में बैठे ही नहीं है। और अभी भी देख लीजिए, अभी भी आप देख लीजिए बच्चे बर्तन धो रहे हैं, ठीक है देख लीजिए आप, बच्चे बर्तन नहीं धो रहे होंगे, बच्चे अपनी जूते नटा के रख रहे होंगे, थाली आंटी धोएंगी साबुन से। चलिए मैम आपको वाकई मैं खुद आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप कितना अच्छा बोल लेती हैं, ठीक है मैम थैंक यू। देखिए सैल्यूट करने की कोई बात नहीं, सैल्यूट करना है तो हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए करिए, और अगर सहयोग करना है तो वो भी शिक्षा व्यवस्था के लिए करिए। तो मैं आपका शुक्रिया।